नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। कोरोना वायरस से प्रभावित महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य बन गया है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव केसेस के आंकड़े रोजाना बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं और इस बात ने चिंता अब और बढ़ा दी है कि धारावी जैसी मुंबई की झुग्गी बस्ती से भी अब कोरोना के मामले आने लग गए हैं। धारावी में 3 दिनों तक लगातार एक के बाद एक 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ मंगलवार को सबसे पहले धारावी की एक SRA बिल्डिंग में रहने वाले एक गारमेंट व्यापारी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया जब उसका टेस्ट किया गया, और उसी दिन उस शख्स की मौत भी हो गई। जिस घर में ये शख्स रहता था उसमें उसके साथ 5 और लोग रहते थे, उनको अब क्वारंटाइन कर दिया गया है। और जिस SRA की इमारत में, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी की जिस इमारत में वो रहता था, उस इमारत को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। दूसरा मामला सामने आया बुधवार को, जब धारावी में रहने वाले BMC के एक सफाई कर्मचारी का टेस्ट रिजल्ट आया तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इसके बाद उसको मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जिस इलाके में वो रहता था उस इलाके को क्वारंटाइन किया गया है, उस इलाके को सील कर दिया गया है। धारावी से तीसरा मामला गुरुवार के दिन सामने आया, जब धारावी की मेन रोड पर अपना क्लिनिक चलाने वाले एक डॉक्टर की टेस्ट रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद जहां पर ये डॉक्टर रहता था और जहां इसका क्लिनिक था, उस इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है और डॉक्टर को मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। लेकिन एक डॉक्टर का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि ये डॉक्टर कई लोगों का अपने क्लिनिक में इलाज कर रहा था और लोग ऐसे हालत में उसके पास आ रहे थे जिनकी की इम्यूनिटी कम थी, और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस डॉक्टर की वजह से कई और भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। धारावी में कोरोना पॉजिटिव केसेस का मिलना बेहद ही गंभीर है, क्योंकि धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाती है। लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर इस इलाके के घनत्व की बात करें तो यहाँ की पतली सकरी गलियों में 7 लाख लोग रहते हैं। पूरा धारावी का एरिया 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 2 वर्ग किलोमीटर में आप सोच सकते हैं 7 लाख लोग रह रहे हैं। धारावी की गलियां काफी पतली सकरी हैं और इन गलियों के बीच में जो कच्चे घर बने हुए हैं, जो झोपड़ियां बनी हुई हैं, ऐसी एक एक झोपड़ी, एक एक घर में 5 से 10 लोग रह रहे हैं, और इन गलियों के बीच में घुसकर वहां से लोगों की भीड़ को हटाना पुलिस के लिए भी एक टेढ़ी खीर है। लोग आपस में घुल मिल रहे हैं, एक दूसरे से मेल मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। धारावी एशिया का सबसे बड़ा लेदर मार्केट भी है। यहाँ पर चमड़े का कारोबार होता है, चमड़े के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बैग है, जैकेट्स हैं वगैरह, यहाँ पर बनाई जाती है और यहाँ पर उनकी बड़े पैमाने पर दुकानें भी हैं जो कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बंद हैं। लेकिन यहाँ पर जो कारखाने हैं वहाँ पर मजदूर रह रहे हैं। ऐसे कारखानों में जो काम करने वाले लोग हैं वो इन्हीं अभी तक इन्हीं घरों में, इन्हीं झोपड़ों में रह रहे हैं। धारावी के अलावा मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में जो कोलीवाड़ा है वो भी एक झुग्गी बस्ती है, और वहां से भी एक कोरोना पॉजिटिव का मरीज पाया गया था जिसकी की मौत हो गई। इस तरह से मुंबई की झुग्गी बस्तियों में कोरोना पॉजिटिव के मामलों का पाया जाना बेहद ही गंभीर है, क्योंकि इससे कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ABP News आपको रखे आगे।